पाकिस्तान में रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं, दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है और हम आज भी 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। रेलवे का महकमा है रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। शेख रशीद का काम नहीं वजारत संभालना और ना ही वो वजारत संभाल रहे हैं। रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार, शेख रशीद समेत रेलवे हुकाम कल सुप्रीम कोर्ट में तलब। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, आईजी कलीम इमाम को हटाने का फैसला, नया आईजी भी मुशावरत से तायुनात करने पर इत्तफाक। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। नंबर वन तो आपको ये बता दूं कि मनाया उनको जाता है जो रूठे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि MQM रूठी हुई है। ये जो 162 अरब रुपये वज़ीर आज़म ने कराची को दिए ना या सिंध को, ये NFC अवार्ड के ऊपर है। MQM रूठी ही नहीं तो मनाना कैसा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा, बोले कराची के लिए 162 अरब NFC अवार्ड से अलग हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की इनिंग्स, वक्फे वक्फे से जारी बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। सिंध में भी बादलों ने एंट्री दे दी। चमन और कल्लात समेत शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में फिर बर्फबारी, कोजिक टॉप और दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद। मेटर्निटी छुट्टियां अब माँ ही को नहीं बल्कि बाप को भी मिलेंगी। मुलाजिम वालिदैन की छुट्टियों का बिल सेनेट में मंजूर, वालिदा को 6 माह और वालिद को 3 माह की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी ना देने पर महकमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को चंद रोज में लंदन के हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाएगा, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, डॉक्टर अदनान का ट्वीट। उधर वजीर आजम के मुआवन बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है, नवाज शरीफ ने लंदन से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ लिया, कहते हैं मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। कराची के साइट एरिया के नाले में डूबने वाली बच्ची की लाश 2 दिन बाद मिल गई। रेस्क्यू टीम ने गुज़िश्ता रोज बच्ची के वालिद के कहने पर ऑपरेशन रोक दिया था। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की लाश तलाश की। कराची के NICH में डॉक्टर्स और मरीज के लवाहकीन में झगड़ा, अस्पताल के मुलाजमीन भी कूद पड़े, डॉक्टर्स का बच्ची का इलाज करने से इनकार। कराची के इलाके महमूदाबाद में सिलेंडर धमाका, एक जांबहक, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान से पोलियो वायरस खत्म ना हो सका, जिला खैबर में मजीद 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक, पोलियो वैक्सीन ना मिलने की वजह से आज शुरू होने वाली इंस्तादे पोलियो मुहिम मुलतवी, अब बुध से शुरू होगी। अफगानिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तैयारा अंदरूनी मुल्क परवाज पर था, अमले समेत 83 अफराद सवार थे। इस वक्त जो सबसे पहले अपना मसला पेश करने जा रहे हैं वो है खुराक की कमी। इस वक्त हम लोग खौफ का शिकार हैं कि जिस तरह अभी हमें इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, अनकरीब है कि हम लोग बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल खुराक जरा बराबर भी मौजूद ना रहे। वुहान इस वक्त पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुका है, जिस सूबे में हम रहते हैं हुबेई, उसके 13 सिटीज पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुके हैं, उनका चाइना के साथ कोई रابطہ नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है, उनका हवाले से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इंसानियत की खातिर हमारे लिए कुछ करें। चीनी शहर वुहान में फंसे पाकिस्तानी तलबा ने हुकूमत से मदद मांगी। तलबा का कहना है शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं, खुराक की कमी है, कोरोना वायरस की वजह से यहां रहना मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए महकमा सेहत को किट्स फराहम कर दी गई। डीजी हेल्थ का कहना है कि अब कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की तशखीस लाहौर में ही हो सकेगी। ये जो
हैदराबाद में लेक्चरर का छुट्टी ना देने पर प्रिंसिपल से झगड़ा। हंगामा आराई के दौरान लेक्चरर की बहन ने लैब असिस्टेंट को थप्पड़ मार दिया। शदीद तर्कबेलामी। बारहवीं की किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बाब शामिल होगा या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार का किताब से गुड बाय मिस्टर चिप्स निकालने का मुतालबा। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब देने के लिए दो रोज की मोहलत दे दी। सुई नॉर्थन गैस कंपनी के पास मीटर खत्म हो गए। डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद कनेक्शन की फराहमी रोक दी गई। लाहौर रीजन में तमाम डेवलपमेंट टीमें फारिग। लाहौर में इंतजामिया आवारा कुत्तों पर काबू ना पा सकी। कुत्तों ने मजीद 111 अफराद को काट खाया। एक माह में कुत्ते के काटने से जख्मी अफराद की तादाद 1476 हो गए। इसराइल ने अपने शहरियों को सऊदी अरब का सफर करने की इजाजत दे दी। इसराइली वजीर दाखिला ने इजाजतनामे पर दस्तखत कर दिए। अब इसराइली शहरी सऊदी अरब की कारोबारी और मजहबी जगहों का दौरा कर सकेंगे। खारियां के नवाही इलाके ढलकक्का में बैलों की दौड़। गुजरात मंडी बहाउद्दीन और जेहरम के 50 जमींदार अपने बैल लेकर पहुंचे। पाकिस्तान में रेलवे से ज्यादा करप्ट कोई इदारा नहीं। दुनिया बुलेट ट्रेन चलाकर मजीद आगे जा रही है और हम आज भी 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। रेलवे का महकमा है रोज हुकूमत गिरा रहा है और बना रहा है। शेख रशीद का काम नहीं वजारत संभालना और ना ही वो वजारत संभाल रहे हैं। रेलवे की ऑडिट रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। शेख रशीद समेत रेलवे हुकाम कल सुप्रीम कोर्ट में तलब। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। आईजी कलीम इमाम को हटाने का फैसला। नया आईजी भी मुशावरत से तायुनात करने पर इत्तफाक। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। नंबर वन तो आपको ये बता दूं कि मनाया उनको जाता है जो रूठे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम रूठी हुई है। ये जो 162 अरब रुपये वज़ीर आज़म ने कराची को दिए ना, ये सिंध को, ये NFC अवार्ड के ऊपर है। MQM रूठी ही नहीं तो मनाना कैसा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। बोले कराची के लिए 162 अरब NFC अवार्ड से अलग हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की इनिंग्स। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। सिंध में भी बादलों ने एंट्री दे दी। चमन और कल्लात समेत शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में फिर बर्फबारी। कोजिक टॉप और दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद। मेटर्निटी छुट्टियां अब माँ ही को नहीं बल्कि बाप को भी मिलेंगी। मुलाजिम वालिदैन की छुट्टियों का बिल सेनेट में मंजूर। वालिदा को 6 माह और वालिद को 3 माह की छुट्टी दी जाएगी। छुट्टी ना देने पर महकमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को चंद रोज में लंदन के हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाएगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। डॉक्टर अदनान का ट्वीट। उधर वजीर आजम के मुआवन बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है नवाज शरीफ ने लंदन से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ लिया। कहते हैं मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। और आसमा जहांगीर आज जिंदा होती तो अपनी 67वीं सालगिरह मनाती।